चंद्रशेखर जी, बिहार के युवा जो आपको एक यूथ आइकन के रूप में देखते हैं और आप सीधे 2 साल के बाद बिहार में आते हैं, ऐसा क्यों सर? मैंने बिहार के लोगों को समय दिया, मैं बिहार से बहुत प्यार करता हूं। सर आप पिछली विधानसभा में आए थे सर, तो सुनो, सुन लो, पत्रकारिता की तैयारी तो कर लो, अभी तुम्हारा कोर्स पूरा नहीं हुआ। मैं उनसे नाराज नहीं हूँ और ना ही मेरा अंदर रिश्ता चुनाव का। मैंने उनको समय दिया कि वो तैयार हो जाए, संगठन बनाया, उन्होंने संगठन काम बड़े पैमाने पर तैयार कर लिया है। जब संगठन होगा तो मेरा काम है उनको गाइड करना, मैं उनको गाइड करने के लिए आ गया। और ये बताओ, अगर मैं यहाँ नहीं आता वो तो आते हैं दिल्ली, अगर यहाँ के नौजवान दिल्ली जाके मुझसे बात कर लेते तो इससे तुम्हें परेशानी नहीं होनी चाहिए। मैं इस मिट्टी में पक्के आया हूँ, मैं राजा का बेटा नहीं हूँ, मैं संघर्ष करके यहाँ तक पहुँचा हूँ, मैं जानता हूँ कि समस्या क्या है। और ये पैसे पे लाए गए लोग नहीं हैं, ये वो लोग हैं जो मेरे लिए अपनी जान भी निछावर कर सकते हैं और करते हैं। वो मेरे फोन का एक कतरा अगर इस अधिकारों की लड़ाई में खर्च हो जाता या मेरा बलिदान भी होता तो भी मुझे कोई तकलीफ नहीं। मेरा काम है पूरे देश में सोए हुए बहुजन समाज को जागरूक करूं। आज नेता घर से निकलने लगे, ये बीमारी की देन है। आज अगर दलितों के मुद्दों पे, पिछड़ों के मुद्दे के, आदिवासियों के मुद्दों पे चर्चा होती है, मुकदमे दर्ज होते हैं, बीमारी की देन है। और ये उनकी देन है जो ना घर देखते, ना बाहर देखते, ना धूप देखते, ना दिन देखते, ना रात देखते, ना बारिश देखते, ना साधन देखते, और जो आज भी हजारों संख्या में जेल काट रहे हैं, दम है बीमारी का, और मैं इनकी वजह से हूँ। और मुझे गर्व है कि मैं इनमें से एक हूँ जो वहाँ सामने बैठे हैं, और मैं इनमें इनके जैसा ही रह के सुनाई को आगे बढ़ाऊँ। चिंता मत करो, धन्यवाद। मुझे लोगों से भी देता हूँ।